Kalach man, kalach, kalach. Hey, orla, orla, hatala. Hey, on gear card. Gear card. Chal. Last card. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला आप सबको सेहत अदा करें। अल्लाह ताला हम सबको बांसत का नवाजी बनाए। जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उन्हें औलाद से नवाजी। जो बेरोज़गार हैं अल्लाह ताला उन्हें रोज़गार अदा करें। देखिए हमारी छोटी सी जॉब करते हैं वीडियो की जाने। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आसानी पहुँचे। मैंने सालन चढ़ाया हुआ है और चार पहिया मैंने निकाल दी हैं। उसके बाद जो है ना ये पंखा अभी मैं इस साइड पर करें। इस टाइम जो है ना थोड़ी धूप होती है तो बाहर इसको रख देते हैं और जब तक धूप रहती है यहाँ पर तो हम लोग यहाँ पर इसको चलाते हैं। जब धूप ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद जो है बंद हो जाता है और रात को काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। इतनी तेज़ गर्मी होती है रात को यहाँ पर बैठना लेटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सारी रात गर्मी में नहीं गुजरती है। अभी भी देखें दरख्त बिल्कुल नहीं हिल रहे हैं, हवा नहीं चल रही है। आज तो खैर सारा दिन ही हवा नहीं चली, सारा दिन ही ऐसे मौसम रहा है। ये तो हमारा हाल है और जो बेज़बान जानवर हैं उन बेचारों का क्या हाल होगा। हम थोड़ी देर बाद पानी पी लेते हैं, थोड़ी देर बाद पंखा हिला लेते हैं तो उन बेचारों का क्या हाल होता होगा बेज़बान जानवर का। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदके ठंडी ठंडी हवा चलाएं। आज मुहर्रम की 7 तारीख है और सुबह हम लोग इंशाल्लाह जाएंगे कब्रों पर, वहाँ पर ख़त्म दिलवाएंगे और फिर उसके बाद जो है मिट्टी डलवा लेते हैं। लिपाई हम सब लोग मिलकर करते हैं, जितने भी हमारे ख़ानदान वाले हैं। इनके हम नहीं पहुँचे तो दूसरा कर देता है, दूसरे नहीं पहुँचे तो हम पहुँच के हम कर देते हैं। तो इस तरह सब लोग मिलजुल कर कब्रे की लिपाई कर देते हैं। सिर्फ हम अपनी नहीं करते, अगर हमारे पास मिट्टी बच जाती है तो हम उसको भिगो के दोबारा से दूसरी जो कब्रें पड़ी हुई होती है जिनके जिन लोगों के पीछे नहीं आ सकते तो हम लोग उनकी भी लिपाई कर देते हैं। तो इस तरह ने मेरे ख्याल में आज आटा भी काफ़ी सारा गूंद दिया है। इसको मना भी किया है कि आटा कम गूंदा करो, गंदम जो है ख़त्म हो रही है, ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ एक बोरी पड़ी हुई है तो फिर क्या करेंगे। इतना ज़्यादा गूंद देती है। ये सुबह की भी 2 रोटियाँ बची हुई हैं, ये अभी मैं खाऊंगी और आटा जो है थोड़ा बचा के रख दूँगी, उसके बाद जो है ना फिर सुबह बना लेंगे। पानी
करवा दूंगी। और अब चलते हैं बाहर, थोड़ा आपको बाहर का व्लॉग भी दिखा देते हैं और थोड़ी हवा भी लग जाएगी। ये प्लेट और पंखा मुझे एक सिस्टर ने लेकर दिया था। अल्लाह ताला उनको खुश और आबाद रखे, अल्लाह ताला उनके रिस्क में इजाफा फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें हर मुश्किल से हर मुश्किल उनकी दूर फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें इतना रिस्क अता करें कि कभी रिस्क की कमी ना आए, और अल्लाह ताला उनके बच्चों को, उनकी फैमिली को, उनके पूरे ख़ानदान को अल्लाह ताला हर मुसीबत हर परेशानी से बचाएँ जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है। हमारे दिल से तो 24 घंटे उनके लिए दुआएँ निकलती हैं। जितने भी सिस्टरों ने हमारी हेल्प की है, हम सबके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, अल्लाह ताला सबकी परेशानियां दूर करे, अल्लाह ताला सब सिस्टरों के मुसीबतें दूर करे, उनकी फैमिली को अल्लाह ताला सेहत याब रखे, और जितने लोग इनके इस दुनिया से रुखसत फरमा गए हैं अल्लाह ताला उन सबको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता करे इस मुबारक महीने के सदके। तो माशाल्लाह देखें बहुत ही जो है ना हरियाली तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन हवा नहीं है। बाहर आए हैं, बाहर भी हवा नहीं लग रही है, तो बाहर भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी धूप में इंसान करे तो क्या करे। ये कपास की चुनाई के दिन भी अब आ गए हैं, पता नहीं किस तरह चुनेंगे हम लोग, कैसे जो है ना, मैं तो नहीं होंगी खैर, और भी बहुत सी औरतें होंगी मेरे साथ साथ, और भी बहुत सी औरतें होंगी जो कपास की चुनाई करेंगी। और इकरा भी, पिछले साल तो इकरा ने भी मेरे साथ कपास चुनवाई थी, और काफ़ी जो है ना कुछ देर गर्मी थी उस दिन भी ज़्यादा, कुछ देर इसने चुनी तो कुछ देर बाद ना मुझे थोड़ी थोड़ी आवाज़ आई थी उसे रोने की, तो उनका कौन है पता नहीं। तो जब मैं पीछे मुड़कर मैं थोड़ा सा आगे चली तो मैं देखा तो इकरा रो रही, मैंने कहा क्यों रो रही, कहती है मुझे गर्मी लग रही है, मैंने कहा फिर बैठ जाओ गर्मी लग रही है। तो अब चलते हैं फिर से घर। हमारा सालन जो है अब तैयार हो चुका है, अब हम इसको उतारेंगे सालन को। उसके बाद जो रोटी लगी देखी तरह ने आटा गूंदा इतना सारा, अभी मैंने जो है इसको तंदूरी को मुंह लगाना था लेकिन लगाई इसलिए नहीं है क्योंकि तंदूरी को मैं क्या है कि आई हूँ बनने के लिए क्योंकि उसको यहाँ पर लगाना है मैंने, क्योंकि इतनी गर्मी होती है दिन को यहाँ पर नहीं बनाया जाता। और ये भी जिस सिस्टर ने हमें किचन बनवा के दिया है हम उनके भी बहुत ज़्यादा एहसान मान रहे हैं, अल्लाह ताला उनको खुश और आबाद रखे हमेशा। जब तंदूरी बन जाएगी तो यहाँ पर तंदूरी लगाऊंगी, फिर हम लोग बैठकर यहीं पर खाना बनाएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहता है। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।